आप लो कांटेक्ट में हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के दिन में क्या चल रहा है और ओवरऑल दिस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, इस रीडिंग आपके लिए हो सकता है। एंड रिमेंबर कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करता है कलेक्टिव रीडिंग का, तो आपको जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही लेना है। सो डोंट हैव टू लाइक शेयर कमेंट और क्लेम टू गेट दिस रीडिंग, बट येस अगर आप लाइक शेयर कमेंट करते हो वो मुझे बहुत हेल्प करता है टू रीच मोर पीपल एंड मेक माई आईडी पॉपुलर टू अदर पीपल। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स आस्क टैरो। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे भाई बहनों के लिए है जो पाकिस्तान इंडिया से मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ दीदी आप हिंदी में रीडिंग किया करो, वो मुझसे हर एक दिन नहीं होता बट आई यू ट्राई माई बेस्ट। सो लेट अस सी आपका करंट एनर्जी क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट। कार्ड द डेक, मैं देखती हूँ ऑफ द डेक क्या था, एस ऑफ वॉन्ड, सो इट्स एसेस आर न्यू बिगिनिंग। सो देखते हैं आगे जाके बाकी सारे कार्ड लेके क्या होता है, देन वी विल कमेंट ऑन दैट। एट ऑफ शॉर्ट्स, डेथ एंड रिबर्थ, हायरोफेंट, टू ऑफ पेंटाकल, वन मोर कार्ड, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है इधर पे दो नाइट ऑफ कप, एक नाइट ऑफ वांड, वन नाइट ऑफ कप्स, एंड ऑल्सो आई सी कि इधर पे एस ऑफ वांड्स एंड डेट ऑफ डेथ एंड रिबर्थ, टू ऑफ पेंटिकल एंड हायरोफेंट कार्ड है। तो लेकिन जो भी है अभी जो आपका सिचुएशन है, आप एक मेंटल प्रिजन में हो, आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है, यू कॉन्ट इवन फोकस ऑन एनीथिंग, आप ठीक से अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आपके मन में सिर्फ एक ही बात बार बार चल रहा है कि उनको आप दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे हो, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके दिमाग से आप रिमूव ही नहीं कर पा रहे हो, आपके दिमाग में और कुछ ही नहीं चल रहा है, सारा दिन भर आपके वो टेंशन एंग्जाइटी चल रहा है कि क्या हो रहा है इस कनेक्शन के साथ, ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। देखो इसके वजह से आपका जो चल रहा है ना, एक पार्ट ऑफ यू इज टेलिंग कि चलो मूव ऑन करो, फोकस ऑन योर सेल्फ, लेकिन बैकग्राउंड में आप कुछ भी करने का कोशिश कर रहे हो, बैकग्राउंड ऑफ आवर माइंड योर माइंड इट्स ओनली वो ही चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, कुछ काम करने का आपका ताकत ही नहीं रहा, और उसमें मुझे लग रहा है कि आपका फिजिकल हेल्थ भी बहुत डिटोरिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस, यू गेट हेडेक, नेक पेन, जॉइंट पेन, चेस्ट टाइटनेस एंड ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग ऑन। बाकी के कार्ड क्या बोल रही है ये तो दूर की बात, बट बिकॉज आई एम सीइंग दिस टू कार्ड्स आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, यू आर गिविंग योर पावर अवे, वट यू आर डूइंग इज नॉट राइट। नो कॉन्टैक्ट कैन हैपन फॉर मेनी रीजन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो और आपके पर्सन बुरे हैं और आप में कुछ गलती है और उसने बहुत गलती कर दी। एट टाइम्स इवन दो पीपल हैव सम फाइट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी होते हैं, देर एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशनशिप, कि अगर सच में हम ये रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर ये सच में रिलेशनशिप हम दोनों के लिए सही है और वी आर गुड फॉर इच अदर। लेकिन नो कॉन्टैक्ट में रहने के लिए आपको जो भी सिचुएशन है, इट्स एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन राइट नाउ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यू कैनॉट कंट्रोल दिस, यू कैनॉट कंट्रोल दैट पर्सन, अगर वो आपसे मिलना ना चाहे, अगर कोई पर्सन आपको ज़िंदगी में चाहे ही ना, यू कैनॉट फोर्स देम टू लाइक यू कम बैक टू यू। आप जो कर सकते हो, जो अपने कंट्रोल में है, अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करना, अपने आप से प्यार करना सीखना, अपने आप के साथ ज़िंदगी बिताना। देखो लेट मी बी वेरी प्रैक्टिकल, वी आर मॉर्टल, हमें सबको एक दिन ऊपर जाना है, कोविड आया, अचानक से इतने सारे लोग मर गए, आज अगर भगवान ना करे कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाए, उसका मतलब ये नहीं हमारा ज़िंदगी रुक जाता है, एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू आर सपोज टू मूव ऑन विथ लाइफ, यू हैव टू मूव ऑन विथ योर लाइफ थिंग्स, एवरी डे वी हैव थिंग्स टू डू, आपको वो करना है, आपको ज़िंदा रहना है, क्योंकि आप ज़िंदा हो फॉर अ रीज़न। ठीक है, आप ये सोचो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आने से पहले हाउ वॉज माई लाइफ, हाउ आई हैव लिव्ड माई लाइफ, यू हैव लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ थिंग्स यू वॉन्टेड टू डू इन योर लाइफ, and you know those things, you had a different life, try to remind yourself those days, try to remind yourself who you were before you met this person, kyunki aapka jo situation dikh raha hai aapke zindagi mein har ek cell aur blood cell mein aur brain cell mein ek hi cheez chal raha hai, wo kab wapas aayenge, agar na aaye to kya ho, exactly। so ye main aapko bolna chahti hu ki apna jo power hai kisi aur ko nahi dena, aur iska ek reason bhi hai, it's not that giving power to other people, it's not to lose your control, but it is also important कि आप दूसरे लोगों के ऊपर ज़्यादा expectation डाल रहे हो, और उसके वजह से क्या होता है ना, वो इंसान शायद आपका expectation meet ना कर पाए, क्योंकि आप दिमाग में एक type का thought ला रहे हो कि ये इंसान ऐसा होगा, ऐसा करेगा, ऐसा उससे expectation है मेरी, लेकिन वो इंसान के दिमाग में तो आपका
जो थॉट प्रोसेस है उसका थॉट प्रोसेस शायद डिफरेंट हो, सो आपको शायद वो दे ना पाए। तो उसके बाद जैसे क्या होता है, जब हम अपना ओवर एक्सपेक्टेशन किसी के ऊपर इम्पोज कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं आप दोनों के। आप कुछ चाहते हो उनसे जो उनको कोई आइडिया ही नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर में बड़े हुए हैं। आपका थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप अपना खुद का जिम्मेदारी खुद लेते हो, यू मेक योर सेल्फ हैप्पी, यू जस्ट यू नो दैट आई डोंट नीड एनीबॉडी टू गिव मी द वैलिडेशन, मैं जो खुद का है आई लव माई सेल्फ। ये जो इंसान मेरी जिंदगी में आए हैं इट्स लाइक अ बटर ऑन द यू नो बोलते हैं ना शुगर ऑन द आइसिंग ऑफ द केक और व्हाटएवर जो बोलना है। तो उसको आप, वो आपके लिए आपका एक्स्ट्रा हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, वो आपका प्योर लव है। लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंस रह के ज़िंदगी बिताना है ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें आपका ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका ज़िंदगी भी डिस्ट्रॉय होता है, आपका रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है। तो आपको जो करना है खुद के ऊपर फोकस करनी है, यू नीड टू कीप डूइंग योर वर्क, यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन योर जॉब। आपका जो वेलबींग है, फिजिकल मेंटल वेलबींग है, आपका डे टू डे जो काम है वो सब कुछ पे ध्यान देना है आपके। तो एनीवेज, सो सेइंग दैट, जो मैं अभी देख रही हूँ आपका ये दिमाग का जो टेंशन चल रहा है, अगर आप इसको थोड़ा हटाए, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड कीप डूइंग ऑन योर सेल्फ वॉट एवर यू आर डूइंग, आई एम सेंसिंग देर इज अ एंडिंग कमिंग ऑफ दिस सिचुएशन वॉट एवर इज गोइंग ऑन। आपका जो चल रहा है ना, ये जो टेंशन का माहौल चल रहा है, ये इसका एंडिंग मुझे दिख रहा है। एंड दैट कम्स विद अ रीबर्थ। डेथ कार्ड का मतलब एंडिंग और न्यू बिगिनिंग, एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग कन्फर्म बाय दिस कार्ड, एस ऑफ वन। एस ऑफ वन ये कार्ड है जो दैट टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग, पैशनेट बिगिनिंग। सो और दिस इज अनदर थिंग ऑल्सो आई वुड से, ये जो बिगिनिंग है इट्स अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट फॉर यू। आपके रिश्ता जो है वो रिश्ता इससे अच्छा होगा आगे जाके। अभी जो आपका सिचुएशन है, देखो एक एक झगड़ा ना, एक एक रिश्ते को जब हम झगड़े के बाद जो पीपल कम बैक टुगेदर, वो मेक्स अ रिलेशनशिप इवन बेटर। सो आई वुड से दिस इज गोना मेक दिस रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। आपके जो पर्सन है वो आप ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों को ही टीच यू अ लेसन, कि आपको एक लेसन टीच करेगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट आप दोनों की जिंदगी में दोनों हो आपको। हावेवर आई एम सेंसिंग दैट देर आर टू पीपल कमिंग ऑन योर वे, ठीक है, इट्स नॉट ओनली वन पर्सन। आपके पर्सन तो कम बैक करेंगे और एक पर्सन की एनर्जी अ न्यू पर्सन कमिंग ऑन योर वे आई एम सेंसिंग। सो दोनों का ही दे हैव लॉट ऑफ पैशन फॉर यू, एंड आई एम सेंसिंग दैट यू माइट हैव मेड दिस पर्सन द अदर पर्सन ऑलरेडी, और माइट बी दे आर कमिंग ऑन योर वे। सो और इट कैन बी ऑल्सो द सेम पर्सन कमिंग विथ टू डिफरेंट इमोशंस, ऑलराइट। सो आगे जाके जो दिख रहा है आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये एक खत्म होने वाला है और ये खत्म होगा भी, लेकिन आपको अभी जो करना है अपने आप पे फोकस करनी है, अपने आप पे ध्यान देनी है, अपना टेक केयर करनी है, अपनी जॉब करनी है, अपना फिजिकल मेंटल वेलबींग के बारे में सोचना है। एंड डोंट वेट फॉर समबडी, बट डेफिनेटली आई एम सेंसिंग दिस इज गोना एंड एंड दे विल कम बैक टू यू, ओके। आपको अगर प्राइवेट रीडिंग करानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। टेक केयर, लव।